डीबी रियल्टी के शेयरों में आज 9% की भारी गिरावट, इस कारण धड़ाधड़ बेचने लगे निवेशक। रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनी डीबी रियल्टी के शेयरों में आज बिकवाली का भारी दबाव दिख रहा है। आज कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में यह ढह गया और इंट्राडे में 9% तक टूट गया था। इसके भाव में थोड़ी रिकवरी तो हुई, लेकिन अभी भी यह रेड जोन में है। जानिए निवेशक इसे लेकर निराश क्यों हैं। रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनी डीबी रियल्टी के शेयरों में आज बिकवाली का भारी दबाव दिख रहा है। मार्च तिमाही में इसके ऑपरेशनल रेवेन्यू में तेज गिरावट आई और कंपनी को तगड़ा घाटा हुआ। इस कमजोर नतीजे ने कंपनी के शेयरों पर दबाव बनाया, जिसके चलते कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में यह ढह गया। इंट्राडे में बीएसई पर यह करीब 9% टूटकर 80.82 रुपये तक आ गया था। इसके भाव में थोड़ी रिकवरी तो हुई, लेकिन अभी भी यह रेड जोन में है। दिन के आखिरी में यह 6.76% की गिरावट के साथ बीएसई पर 82.65 रुपये डीबी रियल्टी शेयर प्राइस पर बंद हुआ है। डीबी रियल्टी के लिए कैसी रही मार्च तिमाही? मार्च 2023 तिमाही में डीबी रियल्टी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 196 करोड़ रुपए से 70% फिसलकर 58 करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं मार्च तिमाही में इसे 52 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में इसे 506 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। नतीजे से निवेशकों में निराशा क्यों? डीबी रियल्टी के रेवेन्यू में यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब बाकी रियल एस्टेट कंपनियां प्रीसेल्स बुकिंग में रिकॉर्ड कायम कर रही हैं और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। इससे उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में उछाल आया है। ऐसे में डीबी रियल्टी के शेयरों को लेकर निवेशकों में बेचने की होड़ लग गई और भाव धड़ाम से फिसल गए। रेखा झुंझुनवाला ने भी लगाए हैं इस कंपनी में पैसे। डीबी रियल्टी में दिग्गज निवेशकों ने भी पैसे लगाए हैं। मार्च 2023 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक रेखा झुनझुनवाला के पास इसके 50 लाख इक्विटी शेयर हैं, जो कंपनी में 1.42% हिस्सेदारी के बराबर है। इस कंपनी में 58.97% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। इसके शेयरों की बात करें तो पिछले 23 सितंबर 2022 को यह एक साल के हाई 139.45 रुपए पर पहुंच गया। इस हाई लेवल से यह आज करीब 41% नीचे बंद हुआ है।